आंतरिक लड़ाइयाँ, क्लेश, कलह जो अयोध्या में चल रही थी, अंदर ही अंदर मनमुटाव चल रहा था लोगों के बीच में। जो अपने लोग थे, इन्होंने जब विपक्ष में जाकर ऐसी राजनीति कर दी, जो अपने थे, घर के लोग थे, वो जाकर दूसरे से मिल गए, मंथरा की तरीके से काम किया और माता कैकेयी की तरह राम को वनवास देने की कोशिश की। इन्होंने गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया, कार्यकर्ताओं को भी बहुत उपेक्षा की गई, व्यापारियों की भी उपेक्षा की गई। लोगों ने, अयोध्या के लोगों ने अपना दुकान, अपना मकान सब भगवान राम के नाम समर्पित कर दिया, दुकानें तोड़ दी गई। उसके बावजूद भी हम लोगों ने भाजपा को वोट दिया। हो सकता है कि जनसंपर्क में कमी रही हो इनके। बेहद शर्मनाक है कि श्री अवध धाम में जिस भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 500 वर्षीय काले इतिहास को उज्ज्वल भविष्य के रूप में परिवर्तित किया, अयोध्या को नया आयाम दिया, उसको भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 500 साल का इंतजार खत्म, लेकिन अयोध्या के चुनावी नतीजे चौंकाने वाले। रामलला की प्राण प्रतिष्ठान के बाद भी बीजेपी को मिली हार। आखिर क्यों राम की नगरी में बीजेपी को झेलनी पड़ी हार? आइए जानते हैं पूरी कहानी। 22 जनवरी 2024 एक ऐतिहासिक दिन, जब 500 सालों के इंतजार के बाद राम भक्तों का सपना साकार हुआ। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठान हुई और भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हुए। ऐसे में भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त थी कि इस ऐतिहासिक पल का असर आगामी लोकसभा चुनाव में दिखेगा और उन्हें बड़ी जीत मिलेगी। लेकिन नतीजे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। रामनगरी अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हर कोई हैरान है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। चुनाव में भाजपा को हार मिलने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स अयोध्या वासियों को जमकर कोस रहे थे। मतदाताओं को इस हार का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस हार के बाद अयोध्या के साधु संतों और जनता में नाराजगी देखी जा रही है। हर कोई सवाल कर रहा है कि आखिर राम नगरी में भाजपा को क्यों हार मिली। राम की नगरी में बीजेपी की हार को लेकर संतों और जनता ने क्या रिएक्शन दिया है, आइए जानते हैं। अरे भैया, लोगों के पूरे पूरे घर चले गए हैं रोड चौड़ीकरण होने में। इसी वजह से यहाँ की पब्लिक बहुत ही परेशान है। किसी को, जैसे गरीब लोग हैं, उनको ठीक से, जैसे लेबरी करने वाले हैं, तो उनको इस टाइम कोई पूछता नहीं है। एकदम परेशान हो गई है जनता यहाँ की। इसी वजह, बस यही कारण है बीजेपी यहाँ पे हारी है। आंतरिक लड़ाइयाँ, क्लेश, कलह जो अयोध्या में चल रही थी, अंदर ही अंदर मनमुटाव चल रहा था लोगों के बीच में। जो अपने लोग थे, इन्होंने जब विपक्ष में जाकर ऐसी राजनीति कर दी। जो अपने थे, घर के लोग थे, वो जाकर दूसरे से मिल गए, मंथरा की तरीके से काम किया और माता कैकेयी की तरह राम को वनवास देने की कोशिश की। इन्होंने गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया, कार्यकर्ताओं को भी बहुत उपेक्षा की गई, व्यापारियों की भी उपेक्षा की गई। लोगों ने, अयोध्या के लोगों ने अपना दुकान, अपना मकान सब भगवान राम के नाम समर्पित कर दिया, दुकानें तोड़ दी गई। उसके बावजूद भी हम लोगों ने भाजपा को वोट दिया। हो सकता है कि जनसंपर्क में कमी रही हो इनके। बेहद शर्मनाक है कि श्री अवध धाम में जिस भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 500 वर्षीय काले इतिहास को उज्ज्वल भविष्य के रूप में परिवर्तित किया, अयोध्या को नया आयाम दिया, उसको भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कमेंट तो बहुत सारा आ रहा है और लोग यही कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी यहाँ के थे लल्लू सिंह जी, जो है उन्हीं की वजह से वो आई है। क्योंकि जब यहाँ पे चौरीकरण हुआ, सारा कुछ हुआ, तो उस तरीके से काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं और कुछ लोग रो भी रहे थे। उस टाइम कोई भी उनका जायज़ा लेने के लिए नहीं आया। इसी वजह से अयोध्या का मेन हारने का कारण है। इसमें बहुत सारी दिक्कत भी है। कुछ से देखिए क्या है, रिक्शे वाले भी दुखी हैं। रिक्शे वालों का क्या है कि रिक्शा जो चलाते हैं, 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद लोग बैरियर लगा के हर जगह से बंद कर देते हैं। रिक्शे वालों के साथ बदतमीजी करते हैं, उनके रिक्शों पे डंडे मारते हैं। वो बेचारे कमाएंगे नहीं, भरेंगे नहीं, उसकी किस्त नहीं भरेंगे, उनके परिवार का खर्चा कहाँ से चलेगा। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसके वजह से लोगों ने भाजपा को वोट ना दे करके दूसरे लोगों को वोट दिया। इसका आरोप अयोध्या वासियों के ऊपर ही क्यों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इसका आरोप अयोध्या वासियों के ऊपर क्यों? अयोध्या वासियों ने अपना घर दुवार दिया, अपना तोड़ फोड़ करवाया, फिर भी भाजपा को वोट दिया। सबसे ज्यादा हर विधानसभा जब से ज्यादा वोट यहाँ से गया। भाजपा हारी केवल, भाजपा अपने केवल जो कैंडिडेट थे और कैंडिडेट का जो अपना उनका अपना बयान था, उस बयान के आधार पर यहाँ से भाजपा हारी है। उन्होंने एक बयान दिया था कि संविधान को बदल देंगे, और एक बयान उन्होंने दिया था हमें कुछ लोगों का वोट नहीं चाहिए।
किसी एक समाज का वोट नहीं चाहिए, किसी कभी उन्होंने कहा कि पासी समाज का वोट नहीं चाहिए, ये उनके अपने अपने तथ्य हैं। लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।